ओडिशा छुई नपारे बात्या ओडिशा उपकूल दे घसी होई चली जाई पारे बात्या तबे केतेक अंचल रे वर्षा हेबो संभाव्य बात्या को नै सतर्क रही छथि सरकार। ओडिशा छुई नपारे बात्या राज्यवासीों पर निश्चित भाव एक आश्वस्तिकर खबर। ओडिशा उपकूल दे चली जाई पारे बात्या ओडिशा उपकूल किछि दूर रे अतिक्रम करिबो। बात्या वर्तमान पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश मुहां होइछि जहां आईएमडी डीजी सूचना देउथिले। मृत्युंजय महापात्र ए आकलन जे वर्तमान बात्या लघुचाप रही घूर्णिवलय लघुचाप परिणत हो सारी आगक 23 तारीख में यह अवपात रूप नेब 24 तारीख में बात्या सृष्टि होबार संभावना रहुछि एवं 24 एवं 25 तारीख में उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे जदिओ हिट्र कौन आकलन वर्तमान पर्यंत ना ओडिशा छुईब ना बात्या ए आकलन वर्तमान करा जाउछि। संपर्क में आईएमडी डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सूचना देते यह पश्चिमबंग बांग्लादेश मुहां होइछि किंतु सेठारे के स्थान हिट कर वर्तमान पर्यंत ता अस्पष्ट किंतु जेहेतु उपकूल दे ओडिशा उपकूल दे बात्या अतिक्रम कर तेणु उपकूल जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षार आकलन कर 24 तारीख और 25 तारीख एक दुई दिन प्रबल अति प्रबल वर्षार आकलन करा को सीधा सड़क हिट कर संभाव्य बात्या ओडिशा उपकूल उपकूल दे अतिक्रम कर पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश आड़े जीव तेरे सृष्टि होता लघुचाप डिप्रेशन रूप ने यार चित्र अधिक स्पष्ट हो। केन्द्रीय बंगोपसगर आसंता 24 तारीख में बात्या सृष्टि होवार संभावना रही वर्तमान पर्यंत जहां आकलन कर यार प्रभाव में ओडिशा उपकूल में वर्षा हो 24 एवं 25 तारीख में उपकूल ओडिशा रे वर्षा हो 21 तारीख रु दक्षिण केन्द्रीय बंगोपसगर अशांत रही मत्स्यजीवी मानू समुद्र को न जावाई बारण कर 23 तारीख में ओडिशा उपकूल में समुद्र अशांत रहीपे घंटा प्रति पवन वेग 60 किलोमीटर रहीपे ओडिशा उपकूल में वर्षा हेले अधिक वर्षा होबार संभावना ना उपकूल ओडिशा रे 23 तारीख में 40 रु 50 किलोमीटर वेगरे पवन बहिब तेबे बात्यार तीव्रता नहीं आसंता काली अपडेट दिया छिबो। बंगाल पर रहेगा फिर इसका 23 में डीप डिप्रेशन होगा और 24 का अराउंड साइक्लोनिक स्टॉर्म वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड इस एडजोइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है। फिर फर्दर इसका जो मूवमेंट होगा उसका मूवमेंट होकर के हमारा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट का पास पहुंचने का चांसेस है 25 का आसपास। हमारा उड़ीसा का कोस्ट का पास एरिया से जाएगा सी एरिया से बट इसमें हमारा मेन इसका जो इम्पैक्ट है अभी फोरकास्ट है इसके लिए कल से हम लोग जैसा बोला फिशरमैन को 23 से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है 22 से डीप सी एरिया में जाने के लिए मना है। ये है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा वार्निंग फिशरमैन के लिए। और अभी हमारा जो वार्निंग है रेनफॉल का ही है रेनफॉल मेनली इस सिस्टम का रिगार्डिंग 24 से मीन्स 24 अर्ली आवर्स हमारा डे फोर में 23 8:30 to 24 8:30 होता है तो उसमें हमारा 24 डेट में जो है उसमें रेनफॉल शुरू होने का कमेंस होने का संभावना है। तो इसका 24 जो है हमारा हैवी रेनफॉल अर्ली आवर्स में एक दो जगह में होने का चांसेस है मेनली पूरी जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट में कोस्टल उड़ीसा में कुछ मोस्ट हमारा कोस्टल उड़ीसा में रेनफॉल रहेगा स्कैटर्ड वे में और इंटीरियर में कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में रहेगा बाकी में टाई रहेगा। फिर 24th एंड 25th जो है 24th मॉर्निंग से 25th मॉर्निंग तक जो है हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। इसमें मेनली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग जो है जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा भद्रक बालासोर और हैवी रेनफॉल का चांसेस है मयूरभंज जाजपुर कटक खुर्दा पुरी मीन्स एडजसेंट जो डिस्ट्रिक्स है इसमें और बाकी एरिया में कोस्टल ओडिशा में मेनी प्लेसेस में ही हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। इंटीरियर का केवंझर मयूरभंज ढेंकनाल एसाम डिस्ट्रिक्स में मेनी प्लेसेस में बाकी डिस्ट्रिक्स में एक दो जगह में क्लाउडीनेस रहेगा बट रेनफॉल एक दो जगह में ही होने का चांसेस है। मेनली हमारा जो अभी जो अपडेट है इसमें रेनफॉल का ही लैंड एरिया में रेनफॉल का ही वार्निंग है और फिशरमैन के लिए हमारा वार्निंग है।
ये है सिस्टम का अपडेट। और आज हमारा साउथ ईस्ट मॉनसून भी विथड्रॉल हुआ है। आज साउथ ईस्ट मॉनसून नॉर्थ उड़ीसा का सभी जगह से विथड्रॉल डिक्लेयर किया है। साउथ उड़ीसा का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसा साउथ उड़ीसा का हमारा बोध, बोलांगीर, सोनपुर, नयागढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में पूरा हो गया है। और पार्ट्स का पूरी, खुर्दा, गंजाम, कंधमाल, कालाहंडी, नोआपारा ये सब डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट्स में हुआ है। तो हमारा पूरी से छत्तीसगढ़ का कांकेर का एक स्टेशन है, ये जो लाइन ड्रॉ करने से उसका साउथ का पोर्शन अभी बाकी है, नॉर्थ का पोर्शन उज्जवल हो गया है। ये है हमारा साउथ ईस्ट मॉनसून उज्जवल का, और अगला दो दिन में पूरा उड़ीसा का होने का चांसेस है। यही है अभी हमारा अपडेट, फिर अपडेट हम नेक्स्ट कॉल देंगे। हाँ, रिकार्ब का इसमें जो हमने जो लोकेशन बोला उसमें से आपका रिकार्ब का ये इंडिकेशन है। इसमें हमारा 22 तक तो मूवमेंट रहेगा, 20 उसके बाद डीप डिप्रेशन का बाद नॉर्थ वार्ड रिकार्ब करने का चांसेस है, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का चांसेस है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न, क्योंकि जहाँ हो रहा है वहाँ से रिकार्ब नहीं करने से तो आपका वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का कोस्ट का तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो रिकार्ब तो फोरकास्ट है। नहीं, पॉइंट एरिया ही बताते हैं हम लोग, एरिया बता दिया जो आपका वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में है, ईस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरिया में। ठीक है, क्योंकि अभी ट्रैक जब आएगा उसमें से आपको पता चलेगा। ट्रैक मेनली साइक्लोन ये का ट्रैक लो प्रेशर का बाद होता है, जब डिप्रेशन एक्चुअली लो प्रेशर का सेस से ट्रैक हमारा प्रीजेनेसिस है, अभी लो प्रेशर जस्ट हुआ है, इसका बाद फिर कल शायद ट्रैक हम लोग का ही है। अभी तो ट्रैक का तो आपका पॉइंट वाइज नहीं, बट नॉर्मली तो बता दिया, आपका एरिया वाइज बता दिया। ठीक है, उड़ीसा में आपका उड़ीसा का पास से जाएगा, अभी जस्ट इनिशियल स्टेज है, इसमें हम लोग मॉनिटरिंग में हैं। अभी तक जो हमारा फोरकास्ट है इसमें आपका उड़ीसा का कोस्ट का पास से जा रहा है, सी एरिया में से जा रहा है उड़ीसा का स्कर्टिंग करके। नहीं, कोस्टल एरिया में जो हमने बोला ना आपका रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, अभी कितना पास से जाएगा उसमें तो थोड़ा सा प्लस माइनस रहते हैं। ठीक है, उसी का ऊपर डिपेंड करेगा रेनफॉल एक्टिविटी का भी। अभी वेरी हैवी का चांसेस हमने जैसा बोला उस तरह से चांसेस है। 23 तक जैसा हमने पहले से ही बोला था, 23 तक कोई वेदर नहीं है। नहीं, इंटेंसिटी भी बोला ना, वेरी हैवी रेनफॉल तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमने दिया है आपका 24-25 में। ठीक है, 24-25 में ही हमारा वेरी हैवी रेनफॉल का चांसेस है, उससे कम व ज़्यादा जो होगा उसका फिर हम लोग रेगुलर तो अपडेट देते हैं। इसके बाद फिर आपका जब डिप्रेशन होगा 6 वाली अपडेट, उसके बाद फिर साइक्लोन होने 3 वाली अपडेट तो देते रहेंगे। ठीक है।